हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फ्रेंड्स, सक्सेस इन टीचिंग फील्ड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मेथड ऑफ टीचिंग। और मेथड ऑफ टीचिंग में जो सबसे मेजर पार्ट है वो है लेसन प्लानिंग एंड माइक्रो टीचिंग। तो फ्रेंड्स, लेसन प्लानिंग पे मैंने पूरी तरीके से वीडियो बना के समझा दिया है। आज मैं डिस्कस करूँगा इसमें माइक्रो टीचिंग, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं और उर्दू में जुज़्वी तदरीस या खुर्द तदरीस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग की आज मैं डेफिनेशन यहां पर मैं बताऊंगा कि माइक्रो टीचिंग कहां से आया, किस तरीके से इसका उपयोग हुआ और कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग जो माइक्रो वर्ड है, इस वर्ड का जो शुरुआत हुआ वो शुरुआत है लैटिन वर्ड से लिया गया और इसका मतलब है कोई छोटा पार्ट, लघु पार्ट, छोटी चीज, यानी कि किसी पार्ट की तरफ से, नॉलेज ऑफ पार्ट की तरफ से हॉल ऑफ नॉलेज की तरफ बढ़ना, यानी कि कोई छोटी चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस होता है और इसमें कोई भी नॉलेज है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके पूरे बड़े नॉलेज की तरफ बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टीचर को अलग अलग महारत की, यानी कि स्किल की प्रैक्टिस कराते हैं और उन सब में, उन सारे स्किल में उसको मास्टरी हासिल कराते हैं। और इस टेक्निक में शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बाँट लिया जाता है और शिक्षण स्किल में स्किलफुल टीचर को बनाया जाता है। इसलिए कि टीचर ट्रेनिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उनके अंदर पढ़ाने के स्किल को डेवलपमेंट करना है और इसमें एक कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे क्लास, सपोज दैट कि एक छोटा क्लास है जो 5-10 स्टूडेंट का है और 5-10 मिनट में उसको पढ़ाया जा सकता है और किसी खास सीखने के स्किल को इस्तेमाल करता है, तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो टीचर के अंदर पढ़ाने के अलग अलग हुनर को, यानी स्किल को, कौशलता को पैदा करना होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है, इसका किस तरीके से शुरुआत हुआ, किस तरीके से इसका बिगनिंग हुआ, प्रारंभ हुआ, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका के स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में इसकी शुरुआत हुई और 1963 में ए डब्ल्यू ड्वाइट एलन ने इसका नामकरण किया, यानी कि ए डब्ल्यू ड्वाइट एलन ने इसका नाम रखा सूक्ष्म शिक्षण। और उसके बाद जो है इंडिया में 1967 में डीडब्ल्यू तिवारी ने इलाहाबाद के एक इंस्टीट्यूट में इसकी शुरुआत की और फिर उस एनसीईआरटी ने और फिर सीएएसई ने, इन लोगों ने पूरे भारत में पूरी तरीके से टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए इसकी शुरुआत कर दी और इसको पूरी तरीके से अपनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं और इसकी डेफिनेशन को पूरी तरीके से समझते हैं कि इसके डेफिनेशन में किन किन चीज़ों को उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग, डॉक्टर वी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संबंध किए गए संबंधी शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षण के हाथ में वो शास्त्र है जिसका वो प्रयोग करके शिक्षण अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली या सक्रिय बनाता है। तो ये पूरी तरीके से इसको ये कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल पर आधारित होता है तो बहुत से लोगों ने अलग अलग इसकी कौशलताओं को डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए, स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इसको 14 तथा 18 कौशलों की सूची तैयार की है। इसी तरीके से भारतवर्ष में ये जो है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन CASE, इन्होंने जो है 21 शिक्षण कौशलों की सूची की तैयार की है। फिर 1967 में पासी ने इसकी 13 शिक्षण कौशलों को माना है और फिर उसके बाद है 1969 में 20 शिक्षण कौशलों की आवश्यकता बताया है। तो फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये पूरी तरीके से अगर हम कहें कि ये होती क्या चीज़ है, तो ये एक वो चीज़ है जिसमें के एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए, अगर आप ये चाहते हो कि एक अच्छा शिक्षक बने, तो आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो महारत है, वो उसको डेवलप करना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हो।
तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी कौशलता है, स्किल है, उसको जिसको यहाँ पर उपयोग किया जाता है, वो ये पांच प्रकार के हैं। पहला है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल, उसके बाद है व्याख्या स्किल यानी कि एक्सप्लेनेशन, उसके बाद है प्रश्नीकरण कौशल यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल, उसके बाद है पुनर्बलन यानी कि रीइन्फोर्समेंट स्किल, और फिर लास्ट में है आपका ब्लैक बोर्ड स्किल श्यामपट कौशलता। तो फ्रेंड्स ये जो सारी स्किल्स है, इन्हीं स्किल के आधार पर ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है और इन्हीं स्किल के आधार पर ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है, मैकफार्लेंड ने कहा है कि ये किसी विशेष शिक्षण कौशलों के अभ्यास करने का ढंग या तरीका है, जैसे अधिक प्रश्न करने की निपुणता या स्पष्ट निर्देश दिया जाना, जैसे एक छोटी सी कक्षा में 5 मिनट पढ़ाया जाता है। इट इज़ अ वे टू डेवलप ए स्पेशल टीचिंग स्किल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आर गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन विच इज़ टॉट इन ए स्मॉल क्लास फॉर 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा क्लास होता है जिस क्लास में छोटे से मिनट में छोटे से बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा थोड़े थोड़े वक्त में उसको पढ़ाया जाता है और किसी एक ही स्किल पर इस पर डिस्कस किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताओं को अगर हम डिस्कस कर लें तो और भी ज़्यादा ये क्लियर हो सकता है। ये पहला विशेषता ये है कि कक्षा का आकार छोटा होता है, अर्थात छात्रों की संख्या भी 5 से 10 ही होती है, क्लास का समय भी 5 से 10 ही मिनट तक होता है, शिक्षण पर प्रकरण का रूप भी छोटा होता है जिसे 5 मिनट या 10 मिनट में पढ़ाया जा सके, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल के विकास का प्रयास किया जाता है जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछने का कौशलता, यानी कि एक टाइम में एक ही किसी कौशलता पर डिस्कस किया जाएगा, सारी कौशलताओं को इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। इस पाठ के उत्तरांध प्रत्यक्ष के प्राध्यापक हो सकते हैं या छात्र अध्यापक भी। इसके बाद है इन सुझावों को ध्यान में रखकर छात्र अध्यापक निश्चित कौशल से संबंधित अपने पाठ की पुनर्योजन बनाता है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप पूरी तरीके से उसको पढ़ लेना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्म अध्ययन का चक्र, ये जो चक्र है जिसको हम माइक्रो टीचिंग सर्कल बोलते हैं, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो लेसन आपने उठाया हुआ है उसको पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों को याद रखना है और कैसे कैसे आपको प्लान बना करके आगे बढ़ना है। तो ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, कि सबसे पहले क्या होता है किसी चीज़ का लेसन का प्लान बनाते हैं, फिर प्लान बनाने के बाद यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सब्जेक्ट मटेरियल यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों का प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम इंटर करते हैं और फिर टीचिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो प्लान बनाने के बाद हम टीचिंग कराते हैं इसमें, फिर टीचिंग कराने के बाद हम फीडबैक लेते हैं उसी टाइम में, तो बच्चे ने अगर अच्छे से फीडबैक दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे ने फीडबैक अच्छे से नहीं दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, रीप्लान करते हैं और उसके बाद री टीचिंग करते हैं और फिर दूसरे उसके बाद री फीडबैक भी लेते हैं। तो इसमें ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से इस तरीके से चलता रहता है, प्लान करना, टीचिंग कराना, फिर फीडबैक लेना, फिर रीप्लान करना, फिर टीचिंग कराना, फिर री फीडबैक लेना, ये सारा जो है माइक्रो टीचिंग साइकिल, इसीलिए इसको बोलते हैं चक्र, इसको लिए बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से इस तरीके से चलता रहता है। तो इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक क्रियाएं सम्मिलित है, यानी कि मिली होती है, शाब्दिक अशाब्दिक मिली होती है। शिक्षण के दौरान बालक से प्रश्न पूछा जाना, उत्तर दिया जाना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, विशिष्ट बिंदुओं के श्यामपट पर लिखना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन शैक्षणिक क्रियाओं को शिक्षण कौशल कहा गया है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, इसी तरीके से कौशलता को बनाने के लिए इन्होंने उद्देश्य को डिफाइन किया। उसके बाद तरह तरह के टाइम में तरह तरह के लोगों ने बहुत सारे इसकी कौशलताएं बनाई और उस कौशलताओं को डिफाइन किया कि इसी कौशलता के आधार पर टीचर किसी चीज़ को पढ़ाएगा। उसके बाद है एलन ने 14 कौशलताएँ बताए, फिर उसके बाद है ये 10 कौशलताएँ आ गई जिसमें से आप देख सकते हो कि पहला है कि उद्देश्य, उसके बाद है पाठ प्रस्तावना, व्याख्या, पुनर्बलन, दृष्टिकांत है ना, उसके बाद श्यामपट, पाठ संपादन कौशल। तो ये सारी जो जितनी भी कौशलताएं थी इन्हीं आधार पर एक माइक्रो टीचिंग जो टीचर है, जो टीचर वो बन रहा है, वो इसी आधार पर वो अपनी कौशलताओं को एक क्लास में एक चीज़ को पढ़ाता है।
तो फ्रेंड्स सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान यानी कि उसको किस तरीके से किस भाग को कितना टाइम दिया जाए, कैसे कैसे उसको सिखाया जाए, कितना बार कितनी बार किस चीज़ को रिपीट किया जाए और कितना टाइम किसको दिया जाए, उसी के प्रयोग में यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो पाठ नियोजन लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग किस तरीके से बनाना है यहाँ पर ये देख लीजिए आप। शिक्षण टीचिंग के लिए जो आप पढ़ा रहे हो या जिस चीज़ को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो कितना मिनट दोगे, 6 मिनट दोगे। उसके बाद है आपका प्रस्तुति यानी कि फीडबैक, तो वो फीडबैक जो क्या कहते हैं, पहला है प्लान करना, 6 मिनट का आप प्लान करोगे, 6 मिनट में आपको प्लान पहले से प्लान करना है। और उसके बाद है टीचिंग भी आप फिर 6 मिनट में ही कराओगे। उसके बाद है आपका प्रतुष्टि यानी कि फीडबैक आप 12 मिनट में कराओगे। और फिर जब वो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा तो इसी तरीके से 6 मिनट में फिर से हम उस चीज़ का क्या कहते हैं रीप्लान करेंगे, रीटीचिंग करेंगे, फिर रीफीडबैक लेंगे। तो ये सारा जो ये योजना होता है ये 36 मिनट में करना पड़ता है, यानी कि 36 मिनट में आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। और इन्हीं 36 मिनट में आपको पूरी तरीके से किसी चीज़ को पढ़ाना होगा और किसी चीज़ को समझाना होगा। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ और फिर हानि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं की प्रविधि है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल अगर शिक्षण की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर 50, 60, 80, 90 कितना भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितना 10-5 होगा। और इसका जो उसका जो टाइम होता है वो 35 से लेकर 50 मिनट भी हो सकता है, 45 मिनट हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है क्या डेफिनेशन है कि 6 मिनट ही होगा, है ना। 5 से 10 बच्चे हैं, 5 से 6 मिनट उसमें पढ़ाने के लिए मिला जाएगा। और इसमें जो है क्या करते हैं वो वाला जो था ट्रेडिशनल वाला जो अभी पढ़ाते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज में, क्या होता है कि उसमें जो है कितनी सारी स्किल, कितनी सारी कौशलताओं पे हम डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे होती हैं, लेकिन इसमें एक ही किसी एक ही पर ही डिस्कस करना है। सपोज दैट कि अगर प्रस्तावना का है तो प्रस्तावना पर ही डिस्कस करेंगे, फिर व्याख्या का नहीं करेंगे, प्रश्न का नहीं करेंगे, पुनर्मिलन का नहीं करेंगे। तो सबका अगर करना होगा तो सबका अलग अलग से करेंगे। इसमें आदर्श सूक्ष्म का अत्यंत शिक्षित होता है और सुनिश्चित शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। शिक्षण कौशल में दक्षता के लिए यह प्रभावपूर्ण विधि है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें किस किस तरीके से इसमें प्रयोग में लाया जाता है, इसमें शिक्षण समाप्त होने के तुरंत बाद ही उसका परिणाम यानी कि फीडबैक लिया जाता है, तो ये इसके जो है लाभ है। अब इसके हानि देख सकते हो कि इसमें हानि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें समय अधिक लगता है, क्यों अधिक लगता है, इसलिए कि बार बार इसका रिपीटेशन होता है, बच्चा जब तक उस चीज़ को उस कौशलता को ना समझ ले तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें एक समय में केवल एक ही यानी कि एक ही कौशलता पर डिस्कस की जाती है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें किसी कौशल के अभ्यास के लिए टीचर को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात भी है कि इसमें जो है क्या कहते हैं किसी भी अभ्यास को लेकर के अलग से इसमें बहुत टाइम नहीं मिलता जिसके बिना पर वो डिस्कस नहीं कर सकता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपने समझा इस चीज़ को, और इसको जो पूरी तरीके से उपयोग में लाया जाता है वो यही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से इसका माइक्रो टीचिंग सर्किल बनेगा और किस तरीके से इसका जो है यूज़ में लाया जाएगा। और फिर लास्ट में है ये है, आप ये देख लो कि इसका जो है माइक्रो टीचिंग के जो फेजेस है किन फेजेस में उसको प्रयोग में लाया जाता है और कैसे कैसे चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, पहला जो फेज़ होता है इसका वो होता है नॉलेज एक्विजिशन फेजेस, यानी कि नॉलेज एक्विजिशन फेजेस में क्या होता है कि टीचर जो है अपने सारे तरीके से नॉलेज गेन करता है, नॉलेज को इकट्ठा करता है और नॉलेज देने की कोशिश करता है। फिर है स्किल एक्विजिशन फेज़, इसमें क्या होता है कि उसमें एक तरीके से योजना बनाता है, सबक को तैयार करता है और माइक्रो टीचिंग के चक्र की मशक करता है यानी कि प्रैक्टिस करता है। वो जो चक्र है जिसमें कि पहला प्लान करता है, फिर टीचिंग करता है, फिर फीडबैक लेता है, फिर रीप्लान करता है, फिर रीटीचिंग करता है, तो ये चक्र को इसमें पूरी तरीके से समझाता है। फिर है आपका ट्रांसफ़र एक्विजिशन फेजेस, इसमें क्या होता है कि टीचर अलग अलग स्किल को जमा करके उनके प्रैक्टिस करता है और क्लास में उसकी टीचिंग कराता है। तो ये तीनों चीज़ों पर ही आधारित होता है जो हम अपना कौशलता को, अपने स्किल को डिफाइन करते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें जब अप्लाई की जाती है तो मेरे ख्याल से आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। तो इसको मैं और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे इसको
अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो चीज़ों में, जैसे कि अभी क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है और माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, वो अलग अलग तरीके से आप समझ लो तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर अभी आप बात करो कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, पहला पॉइंट है कि माइक्रो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में किया जाता है और बहुत ही कम लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें 3 से 4, 5, 6, 10 बच्चे होते हैं। और लेकिन ट्रेडिशनल वाला जो अभी वाला जो चलता है स्कूलों में, ये क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बड़ी क्लास है, बड़ा जमात है, बड़े डिस्कशन है, बड़े क्या कहते हैं कौशलताएँ हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं उससे बड़ा होता है। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि इसमें जो है क्लास में जो है 5 से 10 ही स्टूडेंट होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वाले में जो अभी चलता है उसमें 30 से लेकर के 50 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है माइक्रो टीचिंग का कि टीचिंग वक्त जो है, जो टाइम पीरियड है, वो भी एक छोटा सा ही होता है, 5 से 6 मिनट का होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता है कि टीचर जो है एक ही वक्त में अलग अलग स्किल को डेवलप करने की बात करता है, लेकिन इसमें एक ही स्किल की डिस्कस होती है। माइक्रो टीचिंग का चौथा पॉइंट है कि तदरीस का जो मिनट है वो 5 से 10 मिनट होता है ना, लेकिन जो है ट्रेडिशनल का जो मिनट है पढ़ाने का वो 40 से 50 मिनट होता है। और माइक्रो टीचिंग में पांचवा पॉइंट क्या है कि इसका जो फीडबैक है वो फ़ौरन उसी वक्त में लिया जाता है। सपोज दैट किसी चीज़ को पढ़ाया और पूछा, अगर बच्चे ने नहीं बता पाया तो वो दोबारा से पढ़ाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल में है कि उसमें फ़ौरन नहीं फीडबैक लिया जाता। और माइक्रो टीचिंग का छठा पॉइंट है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है ना, और इसमें जो है क्या कहते हैं जो ट्रेडिशनल वाला तरीका है उसमें सेटिस्फाइड हो या ना हो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ को समझ लिया पूरी तरीके से कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग जो होता है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो है, शिक्षण कौशल पर आधारित होता है, और यानी कि इसमें पूरी तरीके से एक टीचर जो है, जो टीचर ट्रेनिंग सीखने के लिए गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें, ऐसी चीज़ों को प्रयोग करेगा जिसको प्रयोग करके वो अपनी कौशलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों की इसमें डिस्कस करते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने दिखा दिए, बता दिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन माइक्रो टीचिंग किस तरीके से बनाते हैं, किन किन प्रयोगों को इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ करते हैं, और इसका जो है इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, ये सारी चीज़ें किस तरीके से कॉपी में बनाते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि माइक्रो टीचिंग का जो असल पार्ट है वो मैं दूसरे भाग में आपको पूरी तरीके से वीडियो बना करके एक एक अलग अलग करके मैं आपको माइक्रो टीचिंग बना के दिखा दूंगा और पूरी तरीके से उसको समझा भी दूंगा और एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ।